हेलो बच्चों तो अब हम आगे का कंसेप्ट करने जा रहे हैं हमने लास्ट वीडियो के अंदर एन एफ आई ए के बारे में पढ़ा था डिटेल में पढ़ा था याद है ना आपको वन एफ आई ए क्या फॉर्मूला था उसका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बिल्कुल ठीक अब मैं आपको बताने जा रही हूं एन आई टी क्या होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है बच्चों नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज अ डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाता है अब बात आई कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बताओ पक्का तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो लगता किसी पे है इंपोज किसी पे होता है बट उसका इंपैक्ट किसी और पे होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ठीक है तो इट इज इंपोज बाय गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जैसे कि हमारे यूज के लिए यहां पे कौन से टैक्स की बात कर रहे हैं सेल्स टैक्स एक्साइज ड्यूटी वट इज एक्साइज ड्यूटी जो प्रोडक्शन पे लगती है सेल्स ड्यूटी नाम क्लियर कर ही रहा है कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे बच्चों सेल्स टैक्स है वो लगता ही है एक्साइज ड्यूटी है बट अब हमारे पास जीएसटी आ चुका है गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स आ चुका है ठीक है अब ये करता क्या है ये मार्केट प्राइस को राइज कर देता है सपोज सौ रुपए का सामान बनकर तैयार हुआ प्रोड्यूसर के पास अब जब वो मार्केट में आएगा तो उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा टैक्स जो लगेगा उससे प्राइस बढ़ जाएगा मार्केट प्राइस बढ़ जाता है इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स लगने के बाद फिर आता है सब्सिडीज क्या होती हैं सब्सिडीज वो फाइनेंशियल असिस्टेंस होती हैं जो गवर्नमेंट देता है ठीक है एंटरप्राइज को किस लिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कॉमोडिटी यहां पे बात हो रही है जो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को दे रहा है ऐसे ही गवर्नमेंट किसको देता है हाउस होल्ड को भी देता है लाइक सिलेंडर्स के ऊपर देता है ठीक है और उनको कहा जाता है तुम लो प्राइस रखो कस्टमर के लिए बाकी पेमेंट मैं दूंगा और जब गवर्नमेंट दे देती है बाकी पेमेंट तो क्या होता है मार्केट प्राइस रिड्यूस हो जाता है इट रिड्यूस द मार्केट प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी क्लियर हो गई बात अब इन दोनों का इंपैक्ट कैसे देखना है कहां देखना है वो अब हमारे सामने आ रहा है नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट प्राइस इज फैक्टर कॉस्ट मैं अभी आपको बता रही थी ना एक example, कि एक एग्जाम्पल कि प्रोड्यूसर के पास बनकर तैयार हुआ सौ रुपए का ये फैक्टर कॉस्ट पे था क्योंकि फैक्टर्स को पेमेंट दी है ठीक है अब क्या हुआ जब वो मार्केट में आता है तो उसपे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं टेन रूपीज के टैक्सेस लगे उसका मार्केट प्राइस बढ़ के वन टेन हो गया क्लियर हो गई बात तो फैक्टर कॉस्ट क्या हुआ इट रेफर्स अमाउंट पेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर दर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस तो ये फैक्टर कॉस्ट होता है और मार्केट प्राइस क्या है कि जब सामान मार्केट में आया वो जिस प्राइस पे एक्चुअली में सेल किया जाता है वो मार्केट प्राइस होता है ठीक है तो वेन नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस तो उसका इंपैक्ट दोनों चीजों का आएगा सब्सिडीज का आएगा और इनडायरेक्ट टैक्सेस का आएगा इनडायरेक्ट टैक्सेस उसकी वैल्यू बढ़ा देंगे और सब्सिडीज जब मिल जाएंगी तो उसकी वैल्यू मार्केट प्राइस जो होगा उससे कम हो जाएगा तो ये मार्केट प्राइस पे आ चुका है 105, 105। ये किस पे है ये मार्केट प्राइस पे है तो जब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आया जब समान प्रोड्यूसर से मार्केट में आया दो चीजों का इंपैक्ट हुआ उस पर इंडायरेक्ट टैक्सेस का और सब्सिडीज का इंडायरेक्ट टैक्सेस ने क्या किया मार्केट प्राइस बढ़ा दिया और सब्सिडीज ने मार्केट प्राइस घटा दिया ठीक है तो इसी चीज को हम देखेंगे इस कन्वर्जन के अंदर के मार्केट प्राइस एक सेकेंड मैं एक बार इसको डिलीट ही कर देती हूं ये आपको कंफ्यूज कर सकता है हु? फिर एनआईटी का इम्पैक्ट मैं आपको बाद में बताऊंगी ये जो आपने जस्ट अभी एग्जाम्पल देखा ना कि हंड्रेड का सामान वन जीरो फाइव तक कैसे पहुंचा इनडायरेक्ट टैक्सेज एड हुए सब्सिडीज माइनस हुई तो यहां पर यही किया फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे पहुंचने के लिए क्या आया क्या रास्ते में आया इनडायरेक्ट टैक्सेज ने एडिशन की और सब्सिडीज ने सब्ट्रैक्शन की मार्केट प्राइस हमारा बनकर रेडी हो गया ठीक है बट अगर आपको नेशनल इनकम मार्केट प्राइस पे गिवन हो और फैक्टर कॉस्ट पे आपको निकालनी हो तो क्या किया जाएगा उल्टा कर दो मार्केट प्राइस था उसमें से फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचने के लिए जो हमने पहले आईटी ऐड किया था वो माइनस हो जाएगा सॉरी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो जाएंगे और सब्सिडीज ऐड हो जाएंगे इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन इसको देख लो बिकॉज आपको मैं अभी जो न्यूमेरिकल्स कराऊंगी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर वो आपके इसके उसके अंदर ये कन्वर्जन यूज होने वाली है तो दोबारा से एफ सी से एम पी पे जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को एड करते हैं और सब्सिडीज को माइनस करते हैं और वापस अगर सब्सिडी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस और सब्सिडीज को ऐड किया जाता है ठीक है देन बच्चों हमारा जो ये टोटल इंपैक्ट है ना आईटी और सब्सिडीज का इसको बोलते हैं एन जो मैंने आपको अभी जस्ट इसी वीडियो के अंदर कंसेप्ट बताया था वट इज एन आई टी एनआईटी क्या होता है यू कैन सी हेयर इनडायरेक्ट टैक्सेस में से हम सब्सिडीज को माइनस करते हैं तो हमारा एनआईटी आता है तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं हम डायरेक्टली एक सेकेंड यहां पे फॉर्मूला लिखा भी हुआ एनआईटी का क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी ठीक है तो बच्चों एक सेकंड मैं ना यहां पे आपके लिए स्पेस बना रही हूं ताकि आप लोगों को यही वाली चीज ऊपर वाला जो मैंने अभी बताया इसको मैं एनआईटी के थ्रू करूं फैक्टर कॉस्ट यहां मार्केट प्राइस मैंने आपको बताया था कि हमें आई प्लस करनी है और सब्सिडीज माइनस करने हैं और यही तो फॉर्मूला होता है एन का तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली एन लिख दूंगी कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या यूज किया जाएगा एन और ऐसे ही अगर एम से आपने एफ पे जाना है वापस तो क्या करेंगे माइनस एन पक्का याद हो जाएगा एफ से एम प्लस एन एम पी से एफ सी माइनस एन आई टी क्लियर वेरी गुड तो बच्चों ये हमारी कन्वर्जन नंबर कौन सी है कौन सी है ये फर्स्ट है सेकंड है पहले वाली तो की थी ना आपने कन्वर्जन कौन सी डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने की हमारी वो पहली कन्वर्जन थी क्या थी डोमेस्टिक से नेशनल वाली फर्स्ट कन्वर्जन थी सेकंड कन्वर्जन एम पी और एफ की है ठीक है और थर्ड कन्वर्जन कौन सी है मालूम है आपको आपने वो बेसिक कंसेप्ट में की थी ना कौन से वाले में जिसमें आपने ग्रॉस से नेट पे जाते थे क्या करते थे ग्रॉस बड़ा होता है नेट छोटा होता है तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं और वापस नेट से ग्रॉस पे आने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं ठीक है तो ये तीन कन्वर्जन का यूज किया जाता है जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं ठीक है बट अभी न्यूमेरिकल से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भी तो करानी है ना वो क्या है ये जीडीपी क्या होता है एनडीपी क्या होता है एनएनपी क्या होता है वो सब हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर थैंक यू